तो कुछ यूजर ने अपने वर्डप्रेस के अंदर अस्ट्रा थीम यूज की है। अब उनको अस्ट्रा थीम में वो सेटिंग नहीं मिली जिसके द्वारा ऑथर टैग एंड कैटेगरी को हाइड या अनहाइड किया जा सके। तो वो सेटिंग कहाँ मिलती है अस्ट्रा थीम के अंदर, कैसे हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं ऑथर टैग या डेट को जो पोस्ट की होती है, या कह सकते हैं आर्टिकल के जो आरकेप की होती है वो। तो इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद यहाँ अपेरेंस मिलेगा एंड यहाँ पर थीम ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। थीम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कस्टमाइज बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में अस्ट्रा थीम की सेटिंग आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर टैग ऑथर एंड कैटेगरी हाइड एंड शो करने की सेटिंग चाहिए ना, तो आपको जाना है ब्लॉग के अंदर। तो आपको यहाँ पर ब्लॉग या स्लैश आर्काइव दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फुल स्ट्रक्चर और यहाँ पर मिलेगा मेटा। तो आपको क्या क्या हाइड करना है अनहाइड करना है वो यहाँ पर आपको सेट करना होगा। जैसे कि आप दिखाना चाहते हैं कि मेरी पोस्ट का टैग है वो इनेबल है, तो इस आई बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि डेट इनेबल हो जाए, जो भी हम पोस्ट पब्लिश करें उसकी डेट इनेबल हो जाए, तो यहाँ से आप इसको करेंगे इनेबल, तो यहाँ पर डेट आने लगेगी, है ना। एंड यहाँ पर ऑथर आपको हाइड एंड ऐड करना है वो यहाँ से कर सकते हैं आप, है ना। तो मैंने अभी बनाए नहीं इसलिए शो नहीं हो रहे। एंड यहाँ पर कैटेगरी, तो किस कैटेगरी में ये पोस्ट है वो आपको शो कराना है या नहीं कराना वो यहाँ से सेट करेंगे। एंड यहाँ पर जो कमेंट है आर्काइव की वो आपको शो करना है या हाइड करना है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो आई बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, अगर आई बटन पर आप क्लिक नहीं करेंगे तो ये शो रहेगा, मतलब डिसेबल इनेबल यहाँ से आपको करना होगा, ये आर्काइव पे ही काम करेगा। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो फीचर इमेज दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको चाहते हैं कि फीचर इमेज शो हो या नहीं हो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं फीचर इमेज शो नहीं हो तो इस पर क्लिक करेंगे, फीचर इमेज यहाँ पर हाइड हो जाएगी, ये देखिए ना। लेकिन क्लिक करेंगे तो ये शो होगी क्योंकि हम यूज कर रहे हैं अभी आर्काइव का कंटेंट, देखिए है ना, तो यहाँ पर शो रही है। तो यहाँ पर आर्काइव यूज कर रहे हैं तो आर्काइव पे ये शो नहीं होगी। तो जो आपका ऑथर है डेट है ये आर्काइव पे काम करेगा, आर्काइव का मतलब रीड मोड से पहले जो सेटिंग होती है पोस्ट आर्टिकल की उस पर ये काम करेगा, है ना। बहुत से लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, प्रॉब्लम आती है उनको। ठीक है, एंड यहाँ पर आप इसको इनेबल कर देंगे, इमेज शो होने लगेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि अस्ट्रा थीम हम यूज करते हैं तो फीचर इमेज आती नहीं है, तो आप इस बटन को देख लीजिए कहीं आपने डिसेबल तो नहीं कर दिया फीचर इमेज वाला, है ना। टाइटल एंड ब्लॉक्स मेटा, तो आप डिसेबल करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर टाइटल आपको शो नहीं रहा, टाइटल मेटा वगैरह ये शो नहीं हो रहा है ना। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, सेटिंग यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुकी है, किसी का टाइटल शो नहीं रहा, किसी के ऑथर शो नहीं हो रहा, डेट शो नहीं हो रही, कैटेगरी शो नहीं हो रही, कमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार अस्ट्रा थीम के अंदर ये सेटिंग को आप चेक कर लीजिए, है ना, और देख लीजिए कहीं यहाँ आपने अपने डिसेबल तो नहीं कर दिया। अगर कोई डिसेबल है तो आप इनेबल कर सकते हैं, अगर आपकी सेटिंग ठीक नहीं लग रही तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। जो भी करना चाहे कर दीजिए एंड पब्लिश कर देंगे तो आपकी सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आर्काइव का मेटा बता दिया था, कमेंट कैटेगरी ऑथर डेट टैग, है ना, ये हाइड एंड शो कैसे कराना है। आर्काइव मतलब जो रीड मोड से पहले होती सेटिंग यहाँ पर, है ना। अब रीड मोड पर क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग अलग होगी, जैसे कि इसके अंदर डेट टैग एंड यहाँ पर ऑथर फीचर इमेज शो कराना है कि नहीं कराना है, ये इस पर अलग सेटिंग होगी। वो कैसे होगी, उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है बैक और सिंगल पोस्ट को सिलेक्ट करना है। अब ये सिंगल पोस्ट की आने लगी, यानी कि आर्टिकल या पोस्ट की, है ना, जो सिंगल है। ठीक है, तो इसमें आपको फीचर इमेज शो कराना है या नहीं कराना है, इनेबल डिसेबल फंक्शन है। टाइटल और पोस्ट मेटा का यहाँ पर फंक्शन है इनेबल डिसेबल का। जैसे कि यहाँ पर कमेंट है तो कमेंट आप शो कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते, कैटेगरी आपको शो कराना है नहीं कराना है, हवा तक रखना है कि नहीं रखना, ठीक है, पब्लिश डेट करना है या टैग रखना है कि नहीं रखना, है ना। तो यहाँ पर सिंगल पोस्ट की ये सेटिंग होती है अस्ट्रा थीम के अंदर, है ना। तो रीड मोड के बाद जो सेटिंग है वो आपको सिंगल पोस्ट में मिलेगी। एंड यहाँ पर ब्लॉक आर्काइव मतलब रीड मोड से पहले है, जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे उसकी सेटिंग ब्लॉक आर्काइव के अंदर जो रीड मोड से पहले होती है ना। तो जो भी आपको मेटा आपको डिसेबल इनेबल करना है, कमेंट कैटेगरी ऑथर डेट टैग फीचर इमेज टाइटल एंड ब्लॉक मेटा, है ना, वो आप यहाँ से कर सकते हैं सिंगल पोस्ट और आर्काइव वाला, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।